हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप सभी लोग सीएमपीएफओ के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन करती है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट सीएमपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 11 जुलाई 2023 को पब्लिश किया गया था। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है, इट मींस फ्रेशर है, वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है। रीजन बीइंग, सीएमपीएफओ ने कुछ नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता उनका टाइम वेस्ट हो, तो वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। अगर वो इसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव या इंफॉर्मेटिव पर्पस से कंटिन्यू करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो वो जरूर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी, जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, और वो चाहता है कि उसे टाइमली वैकेंसीज के बारे में अपडेट मिल जाए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लॉ फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी आए और उसे वो सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाए, इम्पैनल होने के लिए, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी, सारी वैकेंसीज के बारे में इस चैनल पे टाइमली आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है और सीएमपीएफओ जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लीगल कंसल्टेंट की कर रहा है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 25th of August 2023। 25 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है? ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बाद जो अगला लिंक दे रखा होगा, आप उस पे जाके क्लिक करिएगा, आपको डायरेक्टली सीएमपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंटरफेस खुल जाएगा। वहां पे जाके आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है और साथ ही साथ अपने रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपको उस पे अपलोड करने हैं। फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आप ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं लिख सकते कमेंट बॉक्स में, तो आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां भी पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइमली रिप्लाई करने की। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। आपकी जो जॉब लोकेशन आपको सीएमपीएफओ दे रहा है वो आपकी धनबाद है, जो कि हमारे झारखंड रीजन में आती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर की एलएलबी करी है या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का कोर्स करा है। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने बोला है आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए, और एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर वो किसी लीगल डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट उनको भी लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करी गई है, मैंडेटरी नहीं रखा है, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए पीसी में। और इन्होंने बोला है कि आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज मांगी गई है, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। और इन्होंने बोला है कि आपको जो काम कराया जाएगा, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होने वाला है, आपको अपना एफिडेविट, पिटीशंस, एप्लीकेशन कोर्ट रूम्स में विजिट करना पड़ेगा, सीएमपीएफओ को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट रूम्स में, आपको सारे लीगल जो एफिडेविट्स बनते हैं, लीगल जो काउंटर एफिडेविट्स बनते हैं, आपको सारे वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उन परफॉर्मा को देखना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट होगा जिसका 5 साल का कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए बहुत नॉर्मल काम है, क्योंकि उसने 5 साल ये काम करा है,
उसे पता होगा ये सारी बेसिक चीजें। अब इन्होंने बोला मेथड ऑफ एंगेजमेंट, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है और आपके सुपीरियर्स आपके काम से खुश रहते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है अगले दो साल के लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, इन्होंने बोला है अगर आप बिलो 35 इयर्स हैं, आपको अपनी एज कैलकुलेट 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज अभी 35 कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी प्रोवाइड करेगा आपको CMPFO। आपको 75,000 रुपीज मंथली दिए जाएंगे बट इसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे HRA नहीं मिलेगा आपको, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 75,000 रुपीज मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट था। अगर आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें बहुत सिंपल रखा गया है, आपको अपनी फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन भेजना है तो आपके ईमेल आईडी जो आपने अपने फॉर्म में मेंशन करी होगी और फोन नंबर जो आपने वहां मेंशन करा होगा वहां पे SMS और ईमेल आपको आ जाएगा और आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं और उसी ईमेल पे आपको डेट प्लेस और टाइम मेंशन किया होगा कि आपको कौन सी जगह पे किस टाइम पे पहुंचना है, वहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जरूर आप सिलेक्ट भी होंगे। बाकी अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।